हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे डेंटल फॉर्मूला की विद रिस्पेक्ट टू वेरियस एनिमल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल माइंड में क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज द टूथ। तो देखिए, टूथ इज ए स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट इन बकल कैविटी एंड स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म मेस्टिकेशन ऑफ फूड पार्टिकल। मीन्स टू से जो टूथ है वो एक ऐसा बकल कैविटी का स्ट्रक्चर है जिसका मेजर फंक्शन होता है मेस्टिकेशन करना फूड पार्टिकल्स का। मीन्स टू से फूड पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करना। ओके गाइज, अब देखिए जो टूथ होता है उसके तीन पार्ट होते हैं। वन इज क्राउन, सेकेंड वन इज नेक एंड थर्ड वन इज रूट रीजन। देखिए, जो किसी टूथ का बाहर से विजिबल पार्ट होता है दैट इज नोन एज क्राउन रीजन। एंड जो पार्ट किसी टूथ का किसी जो में एम्बेडेड रहता है दैट इज नोन एज रूट। एंड नेक रीजन है दैट इज द कनेक्शन बिटवीन क्राउन एंड रूट रीजन। ओके गाइज, और किसी भी एनिमल में टू टाइप के टीथ होते हैं। वन इज नोन एज प्राइमरी टीथ, और वी कैन से दैट टेम्परेरी टीथ, और वी कैन से दैट डेसिडुअस और मिल्क टीथ। आफ्टर सम टाइम दीज टूथ विल फॉल ऑफ एंड एट आर रिप्लेस्ड विद द हेल्प ऑफ परमानेंट टीथ। तो देखिए, किसी भी एनिमल में जो टेम्परेरी टीथ या मिल्क टीथ या डेसिडुअस टीथ होते हैं उनकी नंबरिंग अलग अलग स्टेज पे अलग अलग होती है। तो हमें जब किसी भी क्वेश्चन में डेंटल फॉर्मूला पूछा जाता है तो हम हमेशा ऑलवेज परमानेंट टीथ का डेंटल फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें लिखा है कि डेंटल फॉर्मूला ऑफ ऑक्स। तो ऑक्स के डेंटल फॉर्मूला में हमने लिखा है 0033 अपॉन 3133। देखिए, इसका क्या मतलब होता है, जो स्टार्टिंग में ऊपर की तरफ लिखा होता है वो होता है अपर जो का, हाफ अपर जो का, और जो डिवाइडेड बाई करके लिखा होता है वो होता है हाफ लोअर जो का। और इसमें चार वर्ड्स लिखे होते हैं। तो जो इसमें फर्स्ट होता है दैट डिनोट्स इंसीजर, सेकंड डिनोट्स कैनाइन, थर्ड डिनोट्स फॉर प्रीमोलर एंड फोर्थ डिनोट्स फॉर मोलर। ये हो गया अपर जा का। यही सीक्वेंस लोअर जा में फॉलो होती है। सबसे पहले इंसीजर, उसके बाद कैनाइन, उसके बाद प्रीमोलर एंड लास्ट वन इज नोन एज मोलर टूथ। ओके गाइज, देखिए ये सीक्वेंस वैसे सबको याद रहती है पर कई बार पूछ लिया जाता है कि इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। कंफ्यूजन प्रीमोलर और मोलर में हो जाता है। तो देखिए, प्री मीन्स टू से पहले, प्रीमोलर मीन्स टू से जो मोलर से पहले आएगा। तो देखिए, ऑक्स का डेंटल फॉर्मूला होता है 0033 अपॉन 3133। मीन्स टू से ऑक्स के अपर जा में इंसीजर 0, कैनाइन 0, प्रीमोलर 3 एंड मोलर आर ऑल्सो 3, और लोअर जॉ में 3 इंसीजर, 1 कैनाइन, 3 प्रीमोलर एंड 3 मोलर टूथ आर प्रेजेंट। अब हम बात करेंगे हॉर्स के डेंटल फॉर्मूला की। तो देखिए, हॉर्स के अंदर अपर जा और लोअर जा के अंदर सेम नंबर ऑफ टूथ होते हैं। तो देखिए, हाफ अपर जा की बात करेंगे तो 3 इंसीजर, 1 कैनाइन, 3 प्रीमोलर एंड 3 मोलर, और सेम यही लोअर हाफ, अगर हाफ लोअर जा की बात करें तो 3 इंसीजर, 1 कैनाइन, 3 प्रीमोलर एंड 3 मोलर टीथ होते हैं। ओके, अब देखिए डेंटल फॉर्मूला आपको याद करना है, आप एक दो बार वीडियो देखेंगे याद हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बनते हैं जो काफी बार पूछे गए हैं। वन इज दैट व्हाट इज डायस्टमा। डायस्टमा किसको बोलते हैं? तो देखिए, डायस्टमा का मतलब होता है इंटरडेंटल स्पेस। इंटरडेंटल स्पेस, इंटरडेंटल वर्ड का मतलब है जो दो, डेंटल का वर्ड मतलब होता है टूथ, जो दो टीथ के बीच का स्पेस होता है ना, सॉरी, जो दो टूथ के बीच का स्पेस होता है दैट इज नोन एज डायस्टमा। एंड जनरली डायस्टमा जो टर्म है दिस इज यूज्ड फॉर स्पेस बिटवीन लास्ट इंसीजर एंड फर्स्ट प्रीमोलर टूथ। यानी लास्ट इंसीजर और फर्स्ट प्रीमोलर टूथ के बीच का जो स्पेस है दैट इज नोन एज डायस्टमा। ओके गाइज, एक देखिए जो कैनाइन टूथ होता है वो एबसेंट होता है या फिर वेस्टिजियल होता है इन केस ऑफ मेयर फीमेल हॉर्स। देखिए, आपने देखा कि जो फीमेल, जो हॉर्स होता है, हॉर्स में एक इंसीजर टीथ प्रेजेंट है, बट ये इंसीजर टीथ ओनली मेल हॉर्स के केस में बात की गई है। फीमेल हॉर्स यानी मेयर के केस में अगर पूछा जाए तो जो कैनाइन टीथ है वो या तो एब्सेंट होगा या फिर वेस्टिजियल होगा। ओके गाइज, तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, काफी बार पूछा गया है। नेक्स्ट इज डेंटल फॉर्मूला ऑफ डॉग। अगर हम डॉग या बिच के डेंटल फॉर्मूला की बात करें
तो अपर हाफ जा का डेंटल फॉर्मूला होता है 3142 और लोअर हाफ जा का डेंटल फॉर्मूला होता है 3143। मीन्स टू से किसी भी डॉग या बिच के अपर हाफ जा में 3 इंसीजर, 1 कैनाइन, 4 प्रीमोलर एंड 2 मोलर टूथ प्रेजेंट होते हैं। इसी टाइप से लोअर हाफ जा की बात की जाए तो 3 इंसीजर, 1 कैनाइन, 4 प्रीमोलर एंड 3 मोलर टूथ प्रेजेंट होते हैं। ओके गाइज, और अगर पिक के डेंटल फॉर्मूला की बात की जाए तो लोअर हाफ जा और अपर हाफ जा में सेम नंबर ऑफ टूथ एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि अपर में 3143 और लोअर में भी 3143। गाइज समझ में आ गया? यहाँ पे भी दो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो काफी बार डेफिनेशन टाइप में पूछे गए हैं। व्हाट इज कार्नेजियल टूथ? कार्नेजियल टूथ किसको बोलते हैं? तो देखिए, दिस इज द अपर फोर्थ प्रीमोलर टूथ एंड द लार्जेस्ट टूथ ऑफ डॉग्स माउथ, यानी जो डॉग या बिच के माउथ का जो हमने बात की है फोर्थ प्रीमोलर। देखिए ये जो होता है ना, ये वाला फोर्थ, मतलब देखो क्या है कि डॉग के अपर जा में 3 इंसीजर है, 1 कैनाइन है और 4 प्रीमोलर है, उनमें जो फोर्थ नंबर का प्रीमोलर है दैट इज नोन एज कार्नेजियल टूथ। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ओके गाइज, नेक्स्ट इज कैनाइन टूथ आर ऑल्सो नोन एज फैंग एंड टस्क इन केस ऑफ डॉग और फीमेल हॉर्स। सिर्फ फीमेल हॉर्स और डॉग के केस में कैनाइन टूथ को फैंग या टस्क भी बोलते हैं। जनरली टस्क की स्टडी एलिफेंट के केस में की जाती है। एलिफेंट में 2 टस्क टीथ होते हैं जो काफी प्रीसियस होते हैं। दीज आर द इन्वेजिनेशन ऑफ इनसीजर। ये इंपॉर्टेंट है कि एलिफेंट के केस में जो टस्क वर्ड यूज किया जाता है वो इनसीजर के लिए होता है, और डॉग और मेल हॉर्स के केस में जो टस्क वर्ड यूज किए जाते हैं दैट आर द कैनाइन टूथ। ओके गाइज, नेक्स्ट वन इज रैबिट। रैबिट के अगर डेंटल फॉर्मूला की बात की जाए तो अपर हाफजा में 2033 और लोअर हाफजा में 1023। और अगर फाउल और बर्ड के केस में बात की जाए तो इनके अंदर टूथ प्रेजेंट नहीं होते हैं। इनके अंदर जो मेस्टिकेशन का काम होता है दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ बीक। इनके अंदर बीक चोंच होती है। ओके गाइज, तो देखिए, अच्छा ये तो हो गया डेंटल फॉर्मूला के बारे में बात। दो जनरल नॉलेज की बातें हो रहे हैं कि जो टीथ का ओरिजन है या टूथ का जो ओरिजन होता है, दिस इज टेक्स प्लेस फ्रॉम मेसोडर्म जर्म लेयर। जो 3 टाइप के जर्म लेयर होते हैं, एक्टो, एंडो और मीजो। तो जो टीथ है दैट इज द फॉर्म ऑफ मेसोडर्मल जर्म लेयर की जो लेयर है वो आगे डेवलप होके बनाती है, एक्सेप्ट एनेमल। इनेमल जो इनेमल है दैट इज द एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। पूरा टूथ है वो मेसोडर्मल है एक्सेप्ट इनेमल, और इनेमल कैसा है? एक्टोडर्मल। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ओके, आई होप आपको समझ आया। थैंक यू।